मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। कलयुग उस समय आया था जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ धाम को लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित से यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए एक बैल और एक गाय को पीट रहा है। उस बैल का केवल एक ही पांव था। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा कि तू कौन है जो इस तरह का अत्याचार कर रहा है? तुझे इस कार्य के लिए मृत्युदंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देखकर कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए थे कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया है, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊँगा? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ कि मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के लिए कुल 4 स्थान दिए, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरापान होती हो, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो और हिंसा जैसी घटनाएं होती हो। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा कि ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो कि अच्छा माना जाता हो। इस पर राजा ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने भी स्वयं स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया और वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया और अपना प्रभाव दिखाने लगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।